नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जिसे हम और आप इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं, आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान और चिंताग्रस्त है। एक्चुअली में वो इस बात को सोच रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा मनहूस दिन था और वो कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जिस समय में उनके परदादाओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। क्योंकि एक्चुअली में आज इस्लाम धर्म की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ रही है और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को पूरी दुनिया में किस प्रकार से शक की नज़र से देखा जाता है, इस बात को लेकर के आज इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है और उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। आज दुनिया भर का शांतिप्रिय समुदाय इस बात को खुल करके कह रहा है कि जब उनके बाप दादाओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया होगा, वो दिन ही उनके लिए सबसे ज़्यादा बदनसीब और मनहूस दिन रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली में उसी दिन की सज़ा आज वो लोग पा रहे हैं। आज दुनिया भर के अंदर जिस प्रकार से इस्लाम धर्म और साथ ही साथ शांतिप्रिय समुदाय का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बात आज शांतिप्रिय समुदाय को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि इस्लाम धर्म अपना करके उनके पूर्वजों का तो बुरा हुआ, साथ ही साथ आज के समय में उनके साथ भी बुरा हो रहा है। दोस्तों, एक्चुअली में शांतिप्रिय समुदाय अब इस बात को अच्छे से समझने लगा है कि इस्लाम धर्म के अंदर जो विचारधारा है, वो विचारधारा पूरी तरह से शैतान की विचारधारा है। इस्लाम धर्म के अंदर ना ही तो शांति है और ना ही सुकून है, जबकि हिंदू धर्म के अंदर जो मानवता और जो प्रेम देखने को मिलता है, वो पूरी दुनिया के अंदर दूसरे किसी भी धर्म में नहीं मिलता। वर्तमान समय के अंदर पूरी दुनिया का मुस्लिम इस बात से परेशान है कि उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म को तो अपना लिया, लेकिन एक्चुअली में अब वो इस्लाम धर्म को कैसे छोड़े, क्योंकि दुनिया के मुस्लिम देशों के अंदर इस्लाम धर्म को छोड़ना या फिर इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलना अपने आप में अपराध माना जाता है और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, उस व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है या फिर उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के मुस्लिम देशों के अंदर जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता है, उसे सबसे पहले अपना देश छोड़ना पड़ता है और उसके बाद जाकर के वो इस्लाम को छोड़ पाता है। लेकिन दुनिया के वो लोग जो कि अपना देश नहीं छोड़ सकते और साथ ही साथ जिनके साथ कई तरह की दिक्कत और परेशानी है, वो आज इस बात को सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार वो अपना और अपने बच्चों का जीवन इस्लाम धर्म से दूर कैसे रखे और साथ ही साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस्लाम से कैसे बचाएं। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म के अंदर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो एक्चुअली में इंसानियत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और यही कारण है कि आज दुनिया भर का शांतिप्रिय समुदाय इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार वो इस्लाम धर्म से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं।